और अब बात करते हैं तालिबान अमरीका मुज़ाकरात की। कतर में अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। तालिबान का कहना है कि अमरीका ने कैदियों के तबादले का वादा किया लेकिन अमन मुज़ाकरात शुरू कर दिए। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान कतर में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। अमरीका ने तालिबान से मुतालबा किया था कि वो कैदियों के तबादले से पहले अफगानिस्तान में जंगबंदी का ऐलान करे, जिसे तालिबान ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रोज कबल कतर पहुंचने वाले तालिबान के वफ्द ने अमरीकी हुकाम से बाहमी एतमाद बहाली और कैदियों की रिहाई के बदले बातचीत की। तालिबान 2002 से ग्वांतानामो बे से कैद अहम रहनुमाओं की रिहाई के ख्वाहिशमंद है और इस हवाले से बातचीत गुज़िश्ता कई साल से जारी थी। तालिबान का कहना है कि अमरीका ने कतर में कैदियों के तबादले के हवाले से बातचीत करना थी लेकिन इसने अमन मुज़ाकरात शुरू कर दिए, जो इन्हें किसी सूरत मंजूर नहीं है। तालिबान का कहना है कि अमन मुज़ाकरात के लिए इनका मौकिफ नहीं बदला, गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से निकलने पर ही जंगबंदी होगी। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर सऊदी अरब में होगा, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और काबुल के आला हुकाम तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अफगान सदर हामिद करजई तालिबान के नुमाइंदों से सऊदी अरब में मुलाकात करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। काबुल में सीनियर अफगान हुकाम ने बताया कि तालिबान भी इस मुलाकात के लिए रजामंदी का इजहार कर चुके हैं।